बोल। एसपी निकल रहा है भाई। ठीक है, तू भी निकल। एसपी घर से निकल गया है, सब लड़कों को अलर्ट रहने को बोल। ठीक है भाई। दो जन को गाड़ी के पीछे भेज। हाँ, ठीक है भाई। और दो लोगों को कार पार्किंग के नजदीक। कोई लोकल लड़का तो नहीं है ना? नहीं भाई। कुछ भी हो जाए, अपने लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि मरने वाला एसपी है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है भाई। आ गया आ गया, मेरे आने तक होल्ड कर। पार्किंग कर रहा है वो। कहाँ हो तुम? मैं पार्किंग लॉट में हूँ। आई कांट कम टू द सिनेमा। क्यों? देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। रुको, मैं भी आता हूँ। लड़कों को बताओ क्यों आ रहा है। क्या हम लेट हो गए? कौन हो तुम? मैडम अब ठीक है? स्कैनिंग रिपोर्ट चेक कर ली है, चिंता की कोई बात नहीं। हेलो सर। ठीक है, अब आप कैसे हैं? या, मैं ठीक हूँ। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया सर, आपके ऊपर हमला करने वाला कोई भी यहाँ का नहीं था, सब आउटसाइडर्स थे। यू मीन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स? यस सर। देख लिया ना तुम्हारे पति की ड्यूटी कितनी खतरनाक है। कल तक इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया। सुनिए जी, जिसने हमारी जान बचाई है उस महान को मैं एक बार देखना चाहती हूँ। अच्छा, किधर है वो लड़का? आपको हॉस्पिटल में भी उसी ने एडमिट किया सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ। सुनो भाई, उसने अपनी जान दांव पर लगा के हम दोनों को बचाया, उसका पता नहीं लगा सके आप लोग? पूरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज चेक करवा लेता हूँ सर। सुनो, ऑलरेडी वो लोग प्रोफेशनल किलर्स है ऐसा तुमने बताया, आज वो लोग मुझे मारने आए थे, कल को उस लड़के को भी तकलीफ दे सकते हैं। जस्ट लीव हिम अलोन। ओके सर। ओके। हे भगवान, देख लिया ना, ये है हमारी जिंदगी। छोड़ा रहे उसे, क्यों छोड़ा तुम लोगों ने? पब्लिक प्लेस में पुलिस के ऊपर अटैक करते वक्त सब देख रहे थे, वो इस सीन के अंदर कैसे आया? कौन है वो? एसपी और इसका क्या संबंध है? पता नहीं भाई। कॉमन पब्लिक है या फिर एक्टिविटीज को वॉच करने वाला अंडरकवर एजेंट है या फिर मेरा ऑपोजिट गैंग है? इंक्वायरी करो। ठीक है भाई, निकल जाओ। पिक्चर में सब बैड सीन को कट कर दिया, सो सैड। हाँ, उसी में तो मजा था। क्या करीमाला, क्या कर रहा है? चिका, ये सब सब्जियों का नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे? वही सोच रहा हूँ। ए, नहीं जानता तो जो जानते हैं उनसे पूछ कर जान लो। ऐसा क्या? हाँ। ओके, कद्दू को क्या बोलते हैं? पम्पकिन। आलू को? जुमकिन। पोटैटो। सहजन? ड्रमस्टिक। भिंडे? लेडीज फिंगर। आमला? जेंसी जेंट फिंगर। भिंडे को लेडीज फिंगर बोलते हैं क्योंकि ये लड़की की उंगली जैसा नाजुक है। ओके, पर गोल वाले आमला को जेंट्स फिंगर कैसे बोल सकते हैं चिक्का? नाचने वाले को नाचना आता, गाने वाले को गाना आता, तुमको? ऐसा क्या? तो ठीक है, कच्चे केले को क्या बोलते हैं? ए, मैं काशीनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे साथ डबल मीनिंग में बात मत किया कर। मिर्ची को क्या बोलते हैं पता है? पता नहीं। चिल्ली, अगर तू और ज्यादा बात करेगा तो मैं तेरे मुंह में ढूंस दूंगा। अरे टीका लग रहा है।
गीता तुम कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अनवर को भूल नहीं पा रही हूँ। सुन चित्रा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ए, राजा आया है। हाय। हाय। हाय राजा। हाय। सॉरी उस दिन मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाई, सो इसके लिए बुलाया। अरे कोई बात नहीं, आओ बैठो कॉफी पीते। राजा आओ तुम यहाँ बैठो। अरे बैठना यार। अरे आओ गुरु, मैं बोल रहा हूँ ना। क्या बात है चिका, इस चेयर में कोई वास्तु दोष है क्या? वो जगह मेरे दोस्त राजा के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ तो क्या लव है? बहुत अच्छा माहौल है, अगर आपकी मैडम सहमत है तो जरूर प्यार की बारिश होगी। व्हाट नॉनसेंस यार। जी फॉर गीता जी, आपको एल्फ और लव से एलर्जी है क्या? लड़कों के फिल्मी डायलॉग मारने पर पटने वाली सेंसलेस गर्ल नहीं हूँ मैं, लाइफ में क्लैरिटी और पक्का प्रैक्टिकल सोचने वाली हूँ मैं। इधर कोई लड़का सडनली तुम्हारे पास आके अगर आई लव यू बोले तो तुम क्या बोलोगी? चप्पल से मारूंगी। अगर कोई लोफर को चप्पल से मारोगी तो ओके, अगर राजा जैसा जेंटलमैन बंदा आई लव यू बोले तो? राजा क्या? हाँ। मार्केट में ब्याज का धंधा करने वाले राजा के साथ मेरी जैसी हाई फाई लड़की ने फ्रेंडशिप की, यही बहुत ज्यादा है। और उसमें भी प्यार। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू मी, अगर प्यार किया तो उसमें एथिक्स देखो, मोरालिटी देखो, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस मैच हो रहा है कि नहीं देखो, सही हो ना राजा? चिका, राजा चल। हेलो मैडम, इंग्लिश में बात करने से कोई हाईफाई नहीं बन जाता, स्टेटस कुछ मीठी मीठी बातें करने से नहीं, दिल के अंदर होना चाहिए। किससे पूछा तुमने स्टेटस? क्या तुम जानती हो उसका स्टेटस क्या है? बोलो क्या जानती हो तुम? चिका चल। आ रहा हूँ गुरु। गीता, ये तुमने ऐसा क्यों बोल दिया उसे? वो पालने के लिए हाइब्रिड कुत्ता चाहिए, लव करने के लिए हाईफाई लड़का चाहिए। इंसान को जिंदगी बसाना है तो सिर्फ पैसा कमा के रखना है, इन सबको चीका इन सबको सही वक्त पर यूज करके छोड़ देना चाहिए। ए! मारो गुरु मारो। जब तुम्हारे स्टेटस के बारे में बोला उसी वक्त उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं चुप था। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। कुछ लड़कियों को ओरिजिनल क्या है सेकंड हैंड क्या है समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ इधर उधर घुमाने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए फ्रेंड के नाम पे बकरा चाहिए, शादी होने के बाद फॉरेन जाके सेटल होने के लिए बैंक बैलेंस रखने वाला पति चाहिए। उसने अपने राजा के स्टेटस के बारे में बात की है, उसका स्टेटस जाने की तो शौक हो जाएगी वो। क्या बोल रहा चिका? अपना राजा कौन है उसका बैकग्राउंड पता है क्या उसको? राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर है अपना राजा। उसका घर घर नहीं है, राजमहल है। राजा की बुआ की बेटी लवण्या की शादी फिक्स हुई थी। शादी के चार दिन पहले राजा के घर में लड़के की तरफ से पार्टी का इंतजाम हुआ था। क्या भाई, दारू वारू कुछ नहीं है क्या? अरे चुप कर यार, माँ यहाँ पर है। कुछ नहीं। हेलो, कहाँ पर हो तुम? सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे पर तुम हो कहाँ पर? घर के अंदर ही हो राजा, जल्दी आओ ना। ठीक है मैं अभी आता हूँ। लावण्या? राजा। कहाँ हो तुम? राजा मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या बात है बोलो? राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या कर रही हो तुम? राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राजा मुझे ये शादी पसंद नहीं है। ये सब गलत राजा है। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। राजा लावण्या देखो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करी। छोड़ो छोड़ो मुझे लावण्या, मैंने कहा ना। लावण्या राजा। हाँ ए पापा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। ए क्या एक मिनट बोल रहा है तुम? शांता जल्दी आ रहे, देख रहे तेरे भाई के लड़के ने कैसा घटिया काम किया है। कैसी बातें कर रहे आप? अपनी सगी बुआ की लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत किया है, इसको तो इसी वक्त घर से मार कर निकाल देना चाहिए। अरे क्या हुआ, क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? शांत हो जाइए, पहले मामले का पता तो करो। क्या पता करना है, मेरी आंखों के सामने मेरी लड़की की साड़ी खींच रहा था, इसने सबके सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर दी। अब मेरी बेटी समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मामा
आगे पीछे सोचे बिना आप कुछ बोलिए मत। आगे पीछे सोचे बिना मैं बात नहीं करता। ऐसे घटिया लोग इस घर में है मुझे पता होता तो मैं उसे कदम नहीं रखने देता। मामा मुंह में जो भी आया बकिए मत। कौन रे, कौन बकवास कर रहा है? इसके बाप के मरने के बाद इस कमीने को जमीन का एक हिस्सा देकर घर से भगा देना चाहिए था। अरे सुनिए, आज तक इस घर की मालकिन भाभी ही है, ये बात ध्यान में रहे। वही घर की मालकिन है इसलिए इतने दिन चुप रहा, हमें यहाँ बुलाकर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। कहाँ गया तुम्हारा स्वाभिमान, कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अरे मामा आओ आओ जी आओ, तुम्हारे लड़के ने कैसी घिनौनी हरकत की है तुम ही पूछो इससे। क्या किया तूने? क्या किया तूने? भाभी, तुम्हारे मारने से इसने जो गलती की है क्या वो ठीक हो जाएगी? कुछ भी, क्या आप चुप रहोगे क्या? ये क्या, ये क्या किया तूने? मैं तुम्हें अपना बेटा समझती थी ना, रिश्ता करने आए लोगों के सामने मेरी इज्जत निकाल दी, क्यों किया ऐसे? क्यों आप क्यों आंसू बहा रही हो? ये मेरी होने वाली बहू है, ऐसा नीच इंसान मेरी बहू के साथ गलत सलूक करेगा तो क्या मैं अपनाऊंगा नहीं? एक मिनट, इस घर में कोई नीच नहीं है। सबके सामने तूने मेरा सर झुका दिया ना, जा बाहर, जा बाहर। अगर तू कभी लौट कर मेरे सामने आया तो मेरा मरा हुआ ही चेहरा देखेगा। निकल जा यहां से।